हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रीज पोम को। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोम है ये। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं, उनको पसंद भी आती है, लेकिन फिर भी वो लोग ना ही लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए मैं इस पोम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ और फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ने वाले हैं। Trees are for birds, trees are for children, trees are to make tree house in. तो trees किसके लिए हैं? Trees birds के लिए भी हैं, trees children के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं, और trees किस चीज़ के लिए भी यूज़ होते हैं? Tree house बनाने के लिए भी। Trees are to swing, swings on, मतलब trees के ऊपर झूले झूलने के लिए भी हैं। Trees are for the wind to blow through, trees इस चीज़ के लिए भी हैं कि उसके आसपास से हवा बह सके। Trees are to hide behind in hide and seek. Trees इसलिए भी हैं कि हम लोग hide and seek जब खेलें तब हम उनके पीछे छुप सकें। Trees are to have tea parties under, मतलब पेड़ों के नीचे बैठकर चाय की पार्टी करने का भी अलग ही मजा है, उस चीज के लिए भी trees हैं। Trees are for kites to get caught in. Trees इसके लिए भी हैं कि उनके अंदर क्या फंस जाएं? पतंगे फंस जाएं, जैसे हम लोगों की पतंगे फंस जाती हैं पेड़ों के अंदर। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, जब गर्मी होती है तब पेड़ों की छाया से हमें क्या राहत मिलती है, ठंडा कर देती है जो पेड़ की छाया होती है वो। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, जो ट्रीज होते हैं वो शेड ना करें विंटर के अंदर, मतलब उनकी छाया ना पड़े, ऐसा हम लोग चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है सर्दियों में वैसे ही बहुत ज्यादा ठंड होती है और अगर छाया जिस जगह पर पेड़ की पड़ती है वहां पर और ज्यादा ठंडा हो जाता है। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, मतलब ट्रीज किस लिए हैं कि उसके ऊपर एप्पल ग्रो कर सकें और पियर्स भी ग्रो कर सकें। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, मतलब ट्रीज जो है ट्रीज को काट कर हम लोग क्या उससे लकड़ी ले लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टिम्बर। ट्रीज मेक मदर से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, जो ट्रीज हैं वो माओ को बोलने पे मजबूर कर देते हैं कि वाओ कितनी अच्छी पिक्चर है, इसको हम लोग पेंट कर सकते हैं। ट्रीज मेक फादर से, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारे फादर्स को बोलने पे मजबूर कर देते हैं ट्रीज। वर अ लॉट ऑफ लीव्स टू रैक दिस फॉल, मतलब जब स्प्रिंग सीजन आ जाता है तब पतझड़ होती है, बहुत सारी पत्तियां कलेक्ट हो जाती हैं तो उनको क्लीन करने में जो मेहनत लगती है वो बेसिकली कौन करते हैं? फादर लोग करते हैं गार्डन वगैरह के अंदर क्लीनिंग, तो उस चीज के ऊपर फादर के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत पड़ जाती है, तो वो यही बोलते हैं अरे कितनी सारी पत्तियां गिरी हैं। शिल्ली बॉर्ड ने लिखा है इस पोम को, जरूर नाम याद रखें पोएट का, और क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं हम लोग। व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट, तो जो गेम्स हो गए हमें पता है हाइड एंड सीक हो गया, और कौन कौन से गेम्स हैं ये आप देख सकते हैं। एक गेम हो गया कि हाइड एंड सीक और स्विंग्स, हम लोग झूला झूल सकते हैं पेड़ों के ऊपर, तो ये सारी चीजें हो गई जो हम पेड़ों के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसका पार्ट 1 है ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, व्हाट डज दिस मींस, कॉन्ट्रास्ट दिस लाइन विद द लाइन इमिडिएटली बिफोर इट, तो ये जो लाइन है इसको कॉन्ट्रास्ट करना है, मतलब हमें मिलाना है। आप देखिए जो इसके ऊपर वाली लाइन है इसमें क्या लिखा है, ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रीज जब गर्मी पड़ रही होती है तो जो पेड़ों की छाया होती है उस जगह पर ठंड हो जाती है, तो हम लोग प्रे करते हैं कि इस साइड पेड़ की छाया पड़े या फिर हम पेड़ की छाया के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। अब क्या होता है जब सर्दियों की बात आती है, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि ट्रीज छाया ना करें विंटर के अंदर। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर पेड़ की छाया होगी वहां पर विंटर के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ठंडा है, तो वहां पर और ज्यादा ठंडा हो जाएगा जहां पर पेड़ की छाया पड़ने लगेगी, तो यही बताया गया हमें सेकंड लाइन से, तो ये हमारा डाउट जो है क्लियर हो जाता है। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पियर्स, डू यू एग्री दैट वन पर्पस ऑफ अ ट्री इज टू हैव फ्रूट्स ऑन इट, और डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब क्या आपको ये लाइन मजाकिया लगती है या ये बात सच है कि पेड़ पर हम लोग फल फ्रूट उगाने के लिए भी पेड़ों का यूज करते हैं। तो आई गेस दिस लाइन इज, आई एग्री विद द लाइन दैट ट्रीज आर टू ग्रो एप्पल्स एंड पियर्स ऑन
एंड आई डोंट थिंक दैट दिस लाइन इज ह्यूमरस, मतलब ये लाइन मेरे को बिल्कुल भी मजाकिया नहीं लगती, ये बात बिल्कुल सच लगती है कि पेड़ों को हम लोग यूज करते हैं एप्पल्स और पियर्स को ग्रो करने के लिए. थर्ड क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर ट्राई टू राइट सम लाइन्स इन द पोम और एड न्यू वंस ऑफ योर ओन एज द फॉलोइंग एग्जाम्पल. तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नहीं आते, फॉर फन क्वेश्चन होते हैं ये, इनको आप ट्राई कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ. और यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जितने भी हमारी टीम है इस चैनल के ऊपर बहुत 101% एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन बच्चे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे. तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी उसका आपसे पैसा नहीं लग रहा है, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.